जारा, किन सोचों में गुम हो बेटा? आपको क्या लगता है मामा? ये अंगूठी तुम क्यों बार बार उतार देती? किसी ने कुछ कहा है? कोई बात है? बताओ मुझे। मैं शहर के घर गई थी तो उधर अचानक अभीरा भी आई, और फिर जब हसन मुझे पिक करने आया तो उसने बहुत तमाशा किया। अभीरा ने ऐसा क्यों किया? उसको क्या दुश्मनी है तुम दोनों से? अबीरा को हसन से मोहब्बत थी, और अब मैं अब इस बात की कमी थी। हसन की जात के साथ क्या क्या किससे जुड़े हुए हैं? बेटा, ये कोई गलत फहमी तो नहीं? नहीं मामा, ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये एक सच है और सच की गवाह मैं हूं। अगर हसन अबीरा से मोहब्बत करता था तो उससे शादी कर लेता। अबीरा और हसन के बीच में एक झगड़ा हुआ था जिसकी वजह मैं हूं। तुम? दरअसल अबीरा हसन से बहुत बदगुमान थी उस खबर पर, जिस पर आपको मुझे यकीन था कि गलत बात है, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था और वह हसन से बहुत बुरी तरह बदगुमान हो गई थी। और मेरी गलती ये है कि मैं अबीरा से हसन की मोहब्बत और तालों को जानते हुए फिर भी हसन से मंगनी कर बैठी। हजार झगड़ों के बावजूद वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बस बदगुमानी के दूर होने की देर है। और फिर हसन के दिल में अबीरा होगी और वो उसके कदमों में बैठ के माफिया मांग रहा होगा। इस अंगूठी की कोई कदर और कीमत नहीं है मामा। आज भी हसन किसी अननोन नंबर की खामोशी को अबीरा की कॉल समझ बैठता है और इस खामोश नंबर को अपना हाले दिल सुनाने बैठ जाता है। कितना जज्बाती है हसन अबीरा के मामले में। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो और क्या करने जा रही हो? मंगनी के वक्त ना सही, लेकिन अब मैं अपने आप को ठीक से समझ रही हूँ। मैं एक बेहतर फैसला ले सकती हूँ। मामा, आप इस मंगनी को खत्म कर दे। ये मंगनी शुरू से ही गलत फैसला था, और वैसे भी रिश्ते अंगूठियों से या रस्म रिवाज से थोड़ी ना जुड़ते हैं। रिश्ते दिल से जुड़ते और निभाए दिल से जाते। हसन के दिल में सिर्फ अबीरा है, और अबीरा की सोच हसन पे आके ख़त्म हो जाती है। मैं इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। ठीक है बेटा, तुम ये अंगूठी मुझे दे दो, मैं उन्हें वापस कर देती हूँ। अब तुम खुश हो ना? मुझे तुमसे अजीज और कुछ भी नहीं है बेटा।